हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन की कुछ नया सेटअप लगाया। सारे क्लाडियम्स को यहाँ लगा रखे हैं। और फ्रेंड्स, कुछ प्लांट भी रिपोर्ट करना है मुझे, तो मैंने छोटा सोचा आप लोगों को अपने गार्डन की एक छोटा सा व्यूज दे दूं। जो इस तरह का है। और फ्रेंड्स, ये देखिए चंपा में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इस डिफेनवेकिया की प्लांट का, जिससे मुझे रिपोर्ट करना है। प्लांट का कुछ छोटा सा है और प्लांट काफी बड़े हो जा रहे हैं। और ये यहाँ पर है, ये इस तरह से। तीनों प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है। ये तो मुझे लग रहा है कि टूट गया है, तो अभी निकाल करके देखते हैं। और उसके लिए पॉटिंग मिक्स की बात करें तो ये मैंने कोको पिट लिया है और ये सिंपल गार्डन सॉइल है। और फ्रेंड्स, ये गोबर की खाद है। ये एप्सम सॉल्ट है, जो कि प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। और ये डीएपी के दाने हैं, थोड़े से नीम चारकोल है। और फ्रेंड्स, ये थोड़े से नीम की खली है। तो इन सबको मिक्स करते हैं। ये थोड़े से फंगिसाइड है। डिफेनवेकिया के प्लांट को फंगस भी जल्दी लगता है फ्रेंड्स, तो इसे मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं इनको ये पॉट दे रही हूँ, उसमें एक थर्माकोल का पीस भी मैंने रख दिया है। इसमें भी एक थर्माकोल का टुकड़े रख के पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं प्लांट को निकालूंगी। ये इस तरह से निकला और बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते हुए मैं यूं ही इसे इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। और ये रहा हमारा दूसरा प्लांट, तो इसे भी निकालते हैं। ये इस तरह से। और इसे भी यूं ही इसमें रिपोर्ट कर देंगे और फिर सोशल मीडिया भर देते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। सब में पॉटिंग मिक्स भर देंगे। इसमें एक छोटा बेबी भी निकल रहा है, देखिए। और ये इस तरह से ये दोनों प्लांट मेरे रिपोर्ट हो गए। और ये रहा तीसरा, तो तीसरे को फ्रेंड्स इधर से फंगस लग चुका है। इससे अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, ये आप देखिए। तो मुझे इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, इसमें फंगस लग चुकी थी। इसकी मिट्टी को भी मुझे फेंकना पड़ेगा और इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा।